स्वतंत्रता दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और उसी के साथ हम सब लोग भी आज़ाद हुए थे। लेकिन उस आज़ादी के पीछे बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया था, स्वतंत्रता सेनानियों ने। तो आज के दिन हम उनको भी नमन करते हैं, याद करते हैं और उनके बलिदान को सराखों पर रखते हैं कि उनके कारण से हम आज इस दिन को 74 सालों से मनाते आए हैं और अनगिनत सालों तक मनाते जाएंगे, ऐसी कामना करते हैं। और इसके लिए हम सभी लोग तत्पर हैं देश के लिए। तो आज बस मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से। जैसा कि मोदी जी ने भी आज ही आपने सुना होगा उनके स्पीच में, उन्होंने कहा है कि आप आत्मनिर्भर देश बने। और उन्होंने कौशलता पे भी बात बताई है कि देश तभी आत्मनिर्भर बनेगा जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे। तो सबसे पहले यही मैं कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं हम सभी के अंदर कोई ना कोई स्किल है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई स्किल ना हो, लेकिन समय के जाते जाते बहुत कम लोग हैं उस स्किल को उभार पाते हैं और उसको उससे कुछ बड़ा कर पाते हैं। और वरना समय जाते जाते हम क्या करते हैं, एक रूटीन में अपनी लाइफस्टाइल में स्टक हो जाते हैं और अपने स्किल पे इम्प्रूव करना या स्किल पे काम करना बंद कर देते हैं। तो कुछ सालों में, कुछ दिनों में फिर हम वो अनस्किल्ड हो जाते हैं, फिर पर्टिकुलर जो भी काम कर रहे हैं उसमें करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सभी के अंदर स्किल है, तो अपनी स्किल के ऊपर आप ज़रूर थोड़ा थोड़ा काम करें। हो सकता है आपको इस पे इसका रिज़ल्ट, इसका परिणाम आने में साल लग जाए या कुछ साल लग जाए, लेकिन कभी ना कभी रिज़ल्ट ज़रूर आएगा कि आप अपने आप को स्किल्ड कर लेंगे, तभी आप आत्मनिर्भर इंडिपेंडेंट की ओर भी आगे बढ़ेंगे। तो आप जो भी हम सभी लोग अपना रूटीन फॉलो करते हैं उसको फॉलो करते रहिए। जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को अपने स्किल पे काम करना है और वो धीमे धीमे करते रहेंगे तो उसका एक समय में, कुछ सालों में परिणाम भी आएगा। तो इसी शुभकामना के साथ कि हम सभी लोग अपने स्किल को और उभारेंगे, निखारेंगे, जिससे हम अपने लिए आत्मनिर्भर बन पाएँ, और हम आत्मनिर्भर बनेंगे तो देश अपने आप आत्मनिर्भर बन जाएगा। इसी शुभकामना के साथ आप सभी लोगों से को हार्दिक शुभकामना।